सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण के कितने गुरु थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अपना गुरु बनाया तो कुछ लोगों को उन्होंने अपना गुरु माना था। भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे भी गुरु थे जिनसे भगवान श्री कृष्ण को अपार शक्तियों की भी प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु के 10 अवतार में उनका स्थान 8वां है और भगवान विष्णु के 24 अवतार में उनका स्थान 22वां है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु थे सांदीपनि और उनसे उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा लेना प्राप्त किया था। उनका आश्रम अवंतिका यानी कि उज्जैनी में था और आज भी है। देवताओं के ऋषि को भी सांदीपनि कहा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उनके आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा और दीक्षा ली और साथ में 64 कलाओं की शिक्षा भी ली थी। गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा में अपने पुत्र को मांगा था, क्योंकि सांदीपनि ऋषि के पुत्र को शंखासुर नामक एक दैत्य ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको छुड़ा कर ऋषि सांदीपनि को दक्षिणा में भेंट स्वरूप उनका पुत्र देके प्रसन्न किया था। भगवान श्री कृष्ण के दूसरे गुरु हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदू धर्म एवं जैन धर्म के पुराणों में इसका स्पष्ट रूप से विस्तार से वर्णन मिलता है। दरअसल मथुरा के यादववंशी राजा जिनका नाम था अंधक वृषणि, उनका सबसे बड़ा पुत्र समुद्र विजय उनके पुत्र नेमिनाथ थे और अंधक वृषणि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव उनके वहाँ भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार से नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण आपस में दोनों चचेरे भाई थे। नेमिनाथ की माता का नाम शिवा था। भगवान श्री कृष्ण के तीसरे जो गुरु है वो है घोर अंगिरस। भगवान श्री कृष्ण ने घोर अंगिरस से बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया था। वो उनके तीसरे गुरु हैं। कहते हैं कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को दिया था, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण ने घोर अंगिरस के शिष्य है और उन्होंने बहुत कुछ घोर अंगिरस से सीखा है और बहुत सारा ज्ञान श्री कृष्ण ने घोर अंगिरस से अर्जित किया था, जिसके बाद कोई भी ज्ञान ज्ञातव्य नहीं रहता, यानी कि जानना बाकी नहीं रहता। अभी भगवान श्री कृष्ण के जो अगले गुरु है यानी कि चौथे गुरु, वो है महर्षि वेदव्यास। भगवान वेदव्यास से भी श्री कृष्ण ने बहुत कुछ सीखा था। दरअसल पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर वो व्यास के ही पुत्र माने जाते हैं। महाभारत के रचनाकार भी महर्षि वेद व्यास ही थे और बहुत सारी शक्तियों से वो खुद ही संपन्न थे। अगले गुरु भगवान श्री कृष्ण के हैं परशुराम। परशुराम पितामह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। परशुराम जी से भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। जो माता दुर्गा ने परशुराम जी को दिया था वही सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया था, क्योंकि उनको पता था कि इसकी ज़रूरत श्री कृष्ण को बहुत पड़ेगी। भगवान परशुराम के पास से कहते हैं कि श्री कृष्ण को पाशुपतास्त्र की भी प्राप्ति हुई थी, क्योंकि पाशुपतास्त्र भगवान शिव के बाद कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा भगवान परशुराम के पास प्रस्वपास्त्र भी था, जिसे प्रस्वपास्त्र कहते हैं। ये जो अस्त्र है वो भी परशुराम के अलावा भगवान शिव और भीष्म के पास ही था, अन्य किसी के पास नहीं था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे गुरु हैं। एक रूप से उपमन्यु भी उनके गुरु है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से भी शैव दीक्षा ली थी और भगवान शिव के संबंधित बहुत सारे ज्ञान की और भक्ति की प्राप्ति की थी।
धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।